أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
बख्शिश का सामान लेके आ रहे हैं, बल्कि ये रहमत का महीना है, बख्शिश का महीना है। अल्लाह ताला साथो अल्लाह के इस मेहमान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने मेरे भेजे हुए मेहमान की कदर तू कर, कयामत को तू मेरा मेहमान बन के आएगा, तेरी कदर मैं करा। आदि समझ आ रही सुभान अल्लाह। कोई ना कोई कहते रहो, कुछ भी नहीं होता, तरीका नहीं ले पढ़ते रहो, कुछ करो सही, बोलो सही, तुम्हें पता लगे तुम्हें जानती बोलते। तो आज का ये प्रोग्राम चौधरी अदरीस साहब के हुक्म से मैं हाजिर होया। अल्लाह ताला उनके घरबार के अंदर, कारोबार के अंदर, बिजनेस मान को जान के अंदर अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए। तो इस मस्जिद के खतीब मेरे हम सफ़र, मेरे हम नवाला, मेरे इंतहाई मुखलिस भाई मौलाना हाफिज सईद काश्मीरी साहब, अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र के अंदर, इज्जत के अंदर, अल्लाह इन्हां दे वकार के अंदर, खताबत के अंदर, बयानबूत बयानी के अंदर अल्लाह मजीद बरकत ना हो। और बाकी जो अहबाब जमाती अहबाब आए हैं, मैं इन्हां वास्ते भी दुआ करूँगा कि अल्लाह इन्हां दा आउणा भी अपनी बारगाह कबूल फरमाए। बल्कि मेरी मामा बहना बेटियां, मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे, अल्लाह सब को दुनिया आखिरत की नेमत का माला माल फरमा। उची कह दो आमीन, अपने वाली आमीन करो, उची कह दो साडे रोटी दी। तो मैनू ऑर्डर होया सी कि पैगंबर की असमत आका की सीरत के कुरान के उत्ते तुसा बयान करना, वरना मैं रमजान के हिसाब ना कुछ और मजमून अपने जेब के अंदर सोच के आया सा। तो बहरहाल जलसा कराम वाले जिहड़े होंदे ने उन्होंने बात भी सानू मननी पैंदी है, पर वो भी इंशाअल्लाह विच थोड़ा जिहा मैं आखिर में कह चुकिया। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के बेशुमार पहलू ने हुण तक जिहड़ियां किताबां सीरत ते लिखियां जा चुकियां ने, वो 500 कुतब ने जिहड़ियां पैगंबर की सीरत ते हुण तक लिखियां जा चुकियां। और बर्रे शरीर पाको हिंद के अंदर जिहड़ी पहली किताब सीरत ते लिखी गई सी ना, उहदा नाम है रहमतुल लिल आलमीन। अहले हदीस दे सरे ख्याल मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के जज भी सन, ते पहली सीरत ते किताब बर्रे शरीर पाको हिंद जिन्हां लिखी तिन्हां हिस्सों के अंदर उहदा नाम रहमतुल लिल आलमीन। ते मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी दीआं किताबां दा सब तो पहले जिन्हें जवाब 1898 के अंदर दिता है तईद इस्लाम किताब लिख के, वो भी काजी सुलेमान सरवान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह सन, जिन्होंने उस किताब के अंदर मिर्ज़े ने दावा किया सी इज़ाला मुहाम फतेह इस्लाम के अंदर कि मैं ईसा बन गया है। वो 1898 जिहड़ी किताब लिखी मौलाना काजी साहब ने, उसके अंदर उन्होंने कहा तू क्या मैं ईसा बन के आया, लेकिन मैं तेन पशीन कोई देना कि तेरा ईसा बन के उन्होंने दूर की गल है, जिस ईसा ने आना है उन्हें दमिश्क के मीनारे पर आना है, तू इंडिया के शहर के अंदर पैदा होया, एक कस्बे के अंदर कालिया कस्बा है पिंड जिसे तू पैदा होया, लेकिन हजरत ईसा ने आना है दमिश्क के मीनारे पर नाजर होना है। फिर मोमिनीन सीढ़ी ला के हजरत ईसा थले उतारे, फजर की अजान हो चुकी होगी, नमाज का टाइम करीब होगा, इमाम महदी जिन्हें असल ना मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है मुसल्ला इमामत में मौजूद होंगे, और देखेंगे हजरत ईसा को कहेंगे आ जाओ तुम नबी हो, आ जाओ तुम नमाज पढ़ाओ, अभी थोड़े बगैर नमाज पढ़ना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अज मैं नबी बन के नहीं आया, मुहम्मद का उम्मती बन गया। उन्होंने मौत आएगी अरब के अंदर, जनाजा मस्जिद नबवी च होएगा, हजरत ईसा दफन नबी पाक के कदमा च रोजा रसूल च होंगे। मौलाना फरमान लगे मिर्ज़िया तेरा उत्थे मरना जाना दूर की गल है, तू मक्का भी नहीं वेख सकेगा, मदीना भी नहीं वेख सकेगा, इस मशीन कोई तबाह, मिर्ज़ा 10 साल जिंदा रहा ना मक्का वेख सकिया ना मदीना वेख सकिया। तो लिहाजा वो रहमतुल लिल आलमीन किताब सीरत है, उसके अंदर बड़ी एक नुकते की बात काली साहब ने नोट की थी, आंदने जिदे बाप का ना अब्दुल्ला हो, तवज्जो है ना सारे, जिदे बाप का ना अब्दुल्ला हो, मां का नाम आमना हो, दाइया का नाम हलीमा हो,
जिन्हें अबूदीयत के खून विचों वजूद पाया हो, अमन वाली सोच जन्म लिया हो, हिलम वाला दुध पीता हो, मुहम्मद ही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। और अल्लाह पाक ने आपके अखलाक को की गया, अखलाक खुलक की जमा, खुलक की जमा की है, बोलिए अखलाक। अखलाक का माना क्या होता है? सीरत, आदात, किरदार। तवज्जो, अखलाक का ताल्लुक दो चीजों के नाल है। पहले नंबर पे अखलाक का ताल्लुक बंदे की जबान के नाल है, दूसरे नंबर पे अखलाक का ताल्लुक बंदे के किरदार के नाल है। जबान दे विचों गाली देगा, जबान चो किसे बुजुर्ग नूं झिड़केगा, छोटे का प्यार नहीं करेगा, बड़े का अदब नहीं करेगा, जबान दे विचों भैड़े बोल बोलेगा, तो दूसरा क्या कहेगा? तेरा अखलाक अच्छा नहीं, बोलन दे जबान ना दे। और नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया सी, जेड़ा बंदा मुझे बोल और बोल की जमानत देता है, मैं मुहम्मद उन्होंने जन्नत की जमानत दे। आपने फरमाया बोल तो बोल, समझ गए हो ना? बोलो तो सही है, बोलो तो सही। साडा इलाका नहीं है कि बंदे चुप करके बह रखते हैं, तकरीर करते रहे, तकरीर उतो नहीं टपते, बंदे थले आ जाए, ये नहीं होता। मैं बोलन तो हजरत अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते होते सर, खतीब तकरीर करता नहीं, मजमा तकरीर करवाता है। उन पता है ना मेरी हाँ च हाँ मिलती है, फिर उसका दिल करेगा मैं होर बयान करा, तो जो उन पता है कि सुती कौम बैठी है, तकरीर है ना तो उतो नहीं टप जानी है, ना थले आ जाना, तो फिर वो तकरीर करने का भी उसका दिल नहीं करता। तो लिहाजा मैं बड़ा लंबा सफर कर गया है, यकीन करो मुझे आगे थोड़ी टूटी सड़ गए, बहुत ही बोर कर छे। तो बहरहाल मेरे सिर ना तवज्जो ना मेरी बात सुननी है, ज्यादा तवालत नहीं मैं देनी कि तुम उकता जाओ, लेकिन चंद बातें ने बड़ी तवज्जो ना सुनो। जबान के नाल अखलाक का ताल्लुक है, जबान के विचों गीबत ना करे इहदा अखलाक अच्छा है, जबान के विच चुगली ना करे, गाली ना दे, भैड़ा बोल ना बोले, इहदा अखलाक अच्छा है। जिहड़ा इंसान जबान चो कीमत रख करता है, जबान दे विचों चुगली करता है, हदीस सुनिए, हदीस अन्नबी हुरैरा का काल अकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयाकुम वज़न्ना फइन्न ज़न्ना अक़ज़बुल हदीस, बदगुमानी दे कोलो बच जाओ, बदगुमानी सब तो बड़ा झूठ है। और कुरान में की गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़न्नि इन्ना बासत जन इस्मु वला तजस्ससु वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहम अखीह मैतन फकरहतुमूह वत्तकुल्लाह। फरमाया ईमान वालियो, बदगुमानियां छड़ दो, एक दूसरे के बारे में भैड़ा गुमान ना रखा करो, फलाना बंदा एवें दा फलाना एवें दा, कुरान कहता है गुनाह है, हदीस कहती है झूठ है, सब तो बड़ा झूठ अकज़बुल हदीस। हो सकता है जिन्हें बारे तू गुमान पूरा रखे तू अल्लाह की नजर पता नहीं किन्ना नुकसान कर बोल दे। नबी अली सलाम को जनाजा लिया गया, आप जनाजा पढ़ाने वास्ते अगे खड़े हुए, हजरत उमर और दीगर से आप कहने गल है सुने बंदा फासिक फाजिर, तो मैं सदके जावा उस हस्ती मुकद्दस को, साडी नजर लोगों दी बुराइयां वल, मेरे पीर की नजर लोगों दी अच्छाइयां वल। आपने ऐसा मुंह करके खड़े हो गए, फरमाया तू गेर तू नेकी कर दिया वेखिया कि नहीं, एक सहाबी पिछो खड़ा है कहने गल है सुने ने इस्लाम के मोर्चे पर पहरा दिता सी, ते आपने की फरमाया قال اصحاب يظنون من اهل النار مرنے والے تیرے ساتھی ہیں میرے تو جہنمی ہے انا اشهدكم من اهل الجنه میں محمد دعائی دینا کہ تو جنتی ہے سبحان اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سن لو تاکہ تھوڑا مزید ذہن جڑا ہے اس معاملے صاف ہو جائے ایک دوسرے مسلمان بھائیوں دے بارے وچ اے جڑا بغض حسد کینا अपने नाराजगी नमाजा जब तक मुसलमान बंदा
अपने भाई के बारे दिल साफ नहीं करेगा कि मैं कोई नमाज कोई रोजा कोई हज कोई जकात कबूल नहीं करूंगा। नमस्ते चाहिए पैर ना पैर मिलाई है मिलाते हो कि नहीं कदे कदा मिलाते हो जो कारी साहब जमात कराते ने तो उदो की आते भी पैर ना पैर कदे ना कदा मिल पता है ना कि अजर सुनो ये हदीसा दुआ सुनिया ने आका जी सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा पैर ना पैर कदे ना कदा मिलाता है अल्लाह पाक उस बंदे का जन्नत च एक महल बना देंगे लालच क्यों दिता है पैर ना पैर कंधे ना कंधा मिला उठू आवाज आती है पैर ते कंधे तू मिल ले दिल मैं मिल दिया ਕਰ ਰਿਹਾ
बात लंबी ना हो जाए, लड़ना नहीं बला का हासा तू हसद नहीं करना, इन्नल हसद या कुलुल हसना कबा ता कुलुल नार अलहतक, हसद थोड़ी नेकियां इवें खा जाता है जिमें सुखियां लकड़ियां अग खा जाती है। जेड़ा बंदा हासी दे उदा अखलाक अच्छा नहीं। अगे आइए बला कदा मारू जेड़ा मुंह फेर के जाता है, किसी मुसलमान भाई ने सलाम नहीं लेता, इंसान गुनाह दे कोलो नफरत करो, गुनाहगार कोलो नफरत ना करो। असले नहीं समझ आता ही नहीं, कोई ना बोलो गुनाह कोलो नफरत करनी है, गुनाहगार कोलो नफरत भी करनी है। मुंह नहीं फेरता जेड़ा भी मिले वाकफ है नहीं वाकफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इहदे नाल अकीदत मुहब्बत वधदी। नबी दा सहाबी रोल बाजार च टुर जांदा सी, सहाबा ने कहा अल्लाह सुने रोल दी बाजार, बाजार ते सब तों बुरी जगह, फरमाया भी क्यों जांदे, अल्लाह सुने उत्थे जांदा मैं उहनूं भाई मिलदे ने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह दरबार, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शाम पैंदी अल्लाह सुने मैं देख जांदी पल पल के घर आ जांदा मेरी गल याद रख लो, नमाजा रोजिया हजा भी सदकातो खिरात भी रब नूं जरूरत ही कोई नहीं, मैं देख देगा तो कोई अमल नहीं अल्लाह के हाथ पाल के कबूल नहीं जरा इंसाफ किसी मोमन भाई के बारे च दिल साफ नहीं करता। सिर्फ जलसे सुनना कराना या दर्ज करवाना जुमे पढ़ना तो फिर भी साढ़े दिल की काया ना बदली, तो यार रहन दे करो प्रोग्राम ना करवाया करो, प्रोग्राम का मकसद होता है सुनिए तो उन्हें अमल करो। भुगत नहीं रखना, मुंह नहीं फेरना, हसद नहीं करना, लड़ना नहीं, ऐप जो ही नहीं, जासूसी नहीं करनी, गल सुन के अगे नहीं करनी, बदगुमानी नहीं करनी, फिर रहना कि पर मैं कौन ही बात अल्लाह ही वाला आप च भाई भाई बन गए अल मुस्लिम अखल मुस्लिम मुसलमान मुसलमान का भाई ला यज़लिमु वला यक्तुलु वला यहकिरु, मुसलमान मुसलमान ते जुल्म नहीं करता, मुसलमान मुसलमान को जलील नहीं करता, मुसलमान मुसलमान को हकीम नहीं समझता। कुल्लुल मुस्लिमी अल मुस्लिमी हराम दमहु व इज्जतुहु व मालुहु, मुसलमान का मुसलमान ते माल हराम है, इज्जत हराम है, खून हराम है। इन्नल्लाहा ला यंज़िलु इला सुवरिकुम व ला इला अजसामिकुम व ला यंज़िलु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम अत्तक्वा हाहुना व युशीर इला सदरिही। सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के ने मैनूं तुहाडियां खूबसूरतियां ना प्यार नहीं, तुहाडे मालां ना प्यार नहीं, तुहाडे जिस्मां ना प्यार नहीं, मैं थोड़े माला वाल नहीं देता, जिस्मा वाल नहीं देता, हुसन वाल नहीं देता, थोड़े लिबास वाल नहीं देता, मैं थोड़े दिल वाल देता, थोड़े दिल भी मेरे को डरना ले है नहीं। मेरे भाइयों जिदे अंदर शिक्का मौजूद ने उहदा अखलाक अच्छा नहीं, ते जिदा अखलाक अच्छा है आका फरमांदे ने कयामत दे दिन सब तो ज्यादा वजन बंदे दे नामा अमाल दे अंदर बंदे दे अच्छे अखलाक दा होवेगा। नंबर दो हदीस सही बुखारी आका फरमाते हैं जेड़े बंदे का अखलाक अच्छा है मैं उन्हें जन्नत के उतले मंजिला के अंदर एक महल की जमानत देना। जिदा अखलाक अच्छा है अखलाक ते अखलाक दे अच्छे होता पता कितों लगेगा बंदे दे मुलाजम कोलो ओदे नौकर कोलो या पता कितने लगेगा जिहड़ा 24 घंटे ला रहिंदा 24 घंटे कोल रहिंदा ओदे तों पुछो भी चौधरी साहब दा अखलाक कैसा है। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਕਹਿ ਦੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲ ਕਹਿ ਦੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਨਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਨਬੀ ਨੇ ਕੁਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਓਏ ਅਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਓਏ ਅਨਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਨੇ ਉਹ ਲੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਟਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਈ ਤੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਕਾ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਮੁਸਕਰਾਏ
दफा माफ करिए। जगह नबी फरमाते हैं उस कुल यौम सबीन मरा, अगर तो गलती हो गई है 70 मरतबा भी गलती हो जाए फिर भी माफ कर दो अल्लाह ने, अल्लाह के काला से फिर भी माफ कर दो। ऐसा ना है अल्लाह नबी सलाम ने सबको पहले सफा की पहाड़ी पे चढ़ के की क्या बोल हर वजन तो पूरी सारी कर और कर अके वाले सच्चा पाया झूठा क्या लगे मां चल रब ना कहला से तेरे अंदर सच्चाई तो अलावा कुछ देखी आका फरमाने लगे मैं कहा ना सफा पहाड़ी की पैक साहब को लश्कर हमला करना मान लोगे क्या लगे मान ला गए पर मैं बगैर देख तो जवाब आया सारी अखा धोखा खा सकती है मुहम्मद तेरी जबान झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा फिर तो काम ही सीधा हो गया जी इतना ही यकीन है तो फिर मैं गल करा मक्के वाले भी मान लो गए लगे तो कि गल फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह मक्के वाले हो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुफलहु तमलकुनल अरब वल अजम तुसी अरब अजम दे मालिक बन जाओगे जब ला इलाहा दी आवाज उन्हां दे कन्ना नाल टकरांदी है ते अगो जवाब किया है अपनी जबान चो ला इलाहा इल्लल्लाह के है जो तकबर करते हुए की कह लगे हलाई यहूदी ईसाई ईरानी तो
ले शायर मजनून ये या कह रहे ना बोलो कुत्तो आवाज आई महबूबा जवाब तुझा नहीं देना जवाब मैं दे रहा तो मेरी वजह तो थानू शायर ने मजनू आखिया ना मेरी वजह तो इन्होंने कज़्ज़ाब आखिया ना मेरी वजह तो थानू जरा साहिर आखिया थोड़े ना मेरी वजह तो जवाब हूं मैं दे रहा रब लगे नहीं जवाब दे इन्हें क्या ले शायर मजनून अरशा तो आवाज आती है नून जिन्हें कुरान का प्यार उची करो सुबह कुत्तो आवाज आती है इन्होंने किया क्या ले शायर मजनून कुत्तो आवाज आती है नून बल कलम ਪਰ ਮਖਲੂਕ ਕਹਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਬ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਈਏ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਡਈਏ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਆ ਬਸ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆਸਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿੰਦੀ ਚਾਹੇ ਮਖਲੂਕ ਚੋ ਕਸਮ ਵਸ਼ਮ ਸ਼ਿਵਾ ਸੁਹਾ ਕਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਮਜਨੂਨ ਮੇਰਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਨੂਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਜਨੂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਨੂ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅਜਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿਨਾ ਲਕਲਾ ਅਜਰਨ ਗੈਰਾ ਮਨਦੂਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਇਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਹਿਨਾ ਕਲਾ ਅਲਾ ਖੁਲੂ ਕੇ ਨਹਜ਼ੀਮ ਯਾ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਪੂਰੀ ਕਾਇਦਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੋਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਵੀਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ
इस्लाम कबूल करवा सको तो उन्हें बैत करवा सको। एक औरत आई तो समझा बैत हाथ के उत्ते हाथ रख के गई, उन्हें परदे के थले वो हाथ नहीं किया, यह उंगला अगे गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने बैत कर लो कि उंगलों ने क्या कर बंद कर, फिर उस औरत को भी क्या हाथ पीछे कर लिया। अम्मा आयशा ने कहा आयशा इस औरत को कह हाथ पीछे कर ले, मोहम्मद किसी गैर मेहरब औरत की उंगला भी नहीं ले। इतना बाहिया बाशर्म को पीर के आपस में अजकल पीर जनानिया कच्छा नहीं लेई फिर दे जिन्ना चिर फड़िया ना जाए असली जो फर्क ते फिर नकली बोलते नहीं इस तरह ही है ना, जिन्ना चिर फड़िया ना जाए असली ते जो फर्क ते आ फेसबुक ते नहीं बैठे कई पीरा नु नितर ठुकरदा है। और मैं क्या उस पीर नु मान लो जिदे वरगा पीर ही कायनात कोई नहीं, हर पीर दा पीर है, पर जिनू अहले हदीसा ने पीर मने ओदा पीर ही कोई नहीं। फिर भी सब मेरा वो छोड़ो भाभी के बे पीरे ने इन्हें पीर ही कौन आते ने कि नहीं बोलते क्यामत वहां अपने अपने पीर ना जाना डायरेक्ट जन्नत से भाभी आते मुंह चोके वेंदे ही रहे। अच्छा चल ही मुंह चोके वेखा साथ में तो पूछेगा तू ही कौन हो, सानू किसे नहीं पूछे बोल क्या खलोते ही रहे, सानू भी तो कोई आगे पूछेगा तू ही कौन हो, सारे अपने अपने पीर ना टुर गए ते तू सी कौन हो, असी कहांगे असी मुहम्मदियां सुभान अल्लाह। हरगो आवाज है कि मैं मुहम्मद ते तुसी मुहम्मदी बोलो चलो मुशरकां दे मुलाहजा पतीरे साडू आखदे ने वहाबी बेपीरे करो मुशरकां दे मुलाहजा पतीरे साडू आखदे ने मोहम्मद नु छड़िया गुजारा नहीं होना, कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। ओ कूड़ी नु छड़ दे लसूड़ी नु छड़ दे जमाने दी सारी पसूड़ी नु छड़ दे पर हाथी नु छड़िया गुजारा ਇਮਾਮ
کے تو نہیں فرض بن رہا شافیو اجو امام شافی کو بن رہا مالکیو تسی بھی اجو حملیو تسی بھی اجو قادریو تسی بھی اجو چشتیو صابریو تسی بھی اجو سمیت وردی بغیر وردی جنوری فروری مارچ ہو رہا ہے سارے ہی اجو تکے بھی لے دے آزا شرف اصحاب الحدیث اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے تھانو قیامت دے دل آواز پے گی محبت دے نام تے آواز پے گی آج محمدیو تسی بھی آج میرے محمد نو مننے والے محمدیو وہ بولتے چھڑو تسی بھی آج آیا کنے خوش قسمت لو کنے خوش قسمت اس واسطے ہی کہنیا حنفی نمازا چھڑ دیو محمدی نمازا قیامت دا دن ہوئے گا ترازو لگنا نا چلو میدان محشر کہ ترازو دا ایک پلہ کتا بڑا ہے بولو جنیا زمین کے آسمان تے چودہ جو کچھ نہ چاہے نا ایک پلڑے دے بچے رکھے جان گے ترازو دے ایک پلڑے جگہ پھر بھی باقی ہوئے تو ترازو چکن واسطے جبریل آئے کون کرسی آمینہ کے لال کی تکیر ہوئے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اَسَا اپنے نبی نے کی بنایا ہے شاہد شاہد کا بنا کی ہے گواہ گواہ کی نوہ دے ہو پھر آپ تصدیق کرے انہوں گواہ کیا ہے آقا نے کرسی کوٹ ٹٹھی ہے ترازو ہی کرے قبطی آئے گا نماز لے کے لیکن اس نماز دی تصدیق آمینہ کا لال کرے گا پھر ترازو جائے گا اگر حنفی نماز لے کے آگے او دی تصدیق کی امام ابو حنیفہ کرے گا آمینہ ملال نہیں کرے گا حنفی حق لے کیا حنفی عبادت لے کیا روزہ لے کیا میں کا حج کرنا سے جد ہو گیا جو تھے مینار کے مینار ایک مفتی سا خیمے دے اندر حنفی حج پہ لو کر دس حنفی حج میں کہہ رہا ہوں مفتی سا اندر جی میں کہہ کلمہ کیا پڑے ہے جی نبی دا مہر کلمہ نبی کا پڑھ کے کہ حاج حنفی بھی اپنی حاج نہیں یہ تو ہماری فقہ کا معاملہ ہے میں فقہ کسے کہتے ہیں یہ فقہ فقہ تو اس کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث کا نچوڑ میں کہا بندے دا پتر با کہ پاکستان جا کے ممبر سے چڑھ کے نا کتاب الحدود حد آیا تھا کٹ کے تو ممبر سے اسے چڑھ کے بیان کر رہی فقہ جو ہے چلی چیز ہے ممبر سے بیان کر میں کہا مولوی سر لوئے نہ لے کے لوکاں نے چھتر بنا پھر کیوں نہیں کر سکتا فقہ دے اندر جنہ کہتے ہوئے زمین تے نہیں میرے بھائیو قرآن حدیث آمینہ دے لام تصدیق کرن گے تیری میری عبادات بھی پھر طرح ہو چلا پیغمبر دی سیرت اپناؤ سلو کما رہی تو دونیو سلی میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر میں مسجد چ وڑ کے منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے باپ کہاں گا ایتھے ہی نہیں میں ملک تے دور و عرص دے اندر بڑیا بڑیا کانفرنس دے اندر بات کہی کہ لوگو میں قرآن پڑھ کے منبر تے چڑھ کے مسجد چ وڑ کے وضو کر کے کہہ رہا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رکھ لی میں کر دو گیا نہیں ایک رکعت بھی نہیں پڑی نماز بھی بات نہیں ایک رکعت بھی نہیں پڑی پھر پیغمبر کی سنت تو اعراض کیوں نبی کی سنت کا منہ کیوں پھیرتے ہو پھر حنفی نماز کیوں دیو محمدی نماز پڑھو جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈا فسے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا جسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریڈ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا مسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں بول جائے گا بولو دے سکتے اے میرے پیغمبر دی سیرت و ان کلا اللہ مسجد نبوی ہے ایک پیڑو ہوتا ہے عربی آدمی ہے دیہاتی آدمی ہے مسجد دے سیر چکلو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے پھر نبی دے صحابہ رولا پا دیتے ہیں اور مسجد دے آقا فرما دے چپ کر دیو ایرون تسلانہ پیشاب کر لیتے ہو
और साड़ी मसीते को आके छोटा करेगा आप कुट कुट के उधर दूजा भी पीछे कर साड़ी मसीते को बंदा नमाज पढ़ ला देना दूसरे मसलब ले ले वे वेने जब अपनी मन मुताबिक ये वे कितो आगे ला अपनी जान कर देना पैर ना भाई आ गया ना वो दो चार दिन से नमाज में पढ़ दे सारा कुछ ही करेगा प्यार से करो मोहब्बत से करो अखलाक नबी वाला अपनाओ है ये हदीस हो जिस दिन थोड़े च अखलाक आ गया खुदा की कसम खा के कहना थोड़िया मसीता फुल हो बाजार साफ करता 30,000 रुपया तनखा है ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਜੁਮੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ 7,000 8,000 10,000 ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਤੇ 50,000 60,000 ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੜਤੇ ਨੇ ਲੋਏ ਡਾਲਰ ਤੇ ਖਾਦੇ ਕੁਝ ਉਲਾਵਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਜੀਏ ਉਲਾਵਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਜੀਏ ਇਤਰਾਮ ਕੀਜੀਏ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲਹਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਪਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਤੇ ਆਲਿਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਇਹ ਕੋ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤੁਸਬੁਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕਰ ਬਾਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੌੜਾ ਕੇ ਪਾ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਰਾ ਲੈ ਆਓ ਬੋਲਾ ਆਪਕਾ ਕੁਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਐਰੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਪੜੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾ ਖਾ ਅਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾ ਐਂਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਜਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਉਥੇ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹੁ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ ਵਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਨਬੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਕਰਾ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਦਾ ਫੂਕ ਸ਼ੂਕ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਕਸਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਨਵੀਨ ਨਾ ਕਹ ਫਰਮਾ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਇਹ ਉਹ ਪੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਹੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਨੇ ਕਰਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪਾਗਲ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਕਿਨੇ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਬੈਹੀ ਆ
ਪਹਿਲੂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਆਕਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਇਨਲ ਹਮਦਲਿਲਾਹਿ ਨਹਮਦੁਹੁ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਾ ਨਸਤਾਈਨੁ ਵਨਸਤਗਫਿਰੁ ਵਨਊਜ਼ੁ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੁਰੂਰਿ ਅਨਫੁਸਿਨਾ ਵਮਿਨ ਸੈਇਆਤਿ ਆਮਾਲਿਨਾ ਮੈਂ ਯਹਦੀਲਾਹੁ ਫਲਾ ਮੁਜ਼ਿਲ ਲਹੁ ਵਮੈਂ ਯੁਜ਼ਲਿਲਹੁ ਫਲਾ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾ ਜੀ
ਭਲਵਾਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਮਾਮਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਮਾ ਸੁਮਾਮਾ ਆਇਆ ਸੁਮਾਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਚੌਧਰੀ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਮੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸਰਾਤ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਤੇ ਥੱਬ ਨਾ ਬੰਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾ ਬੰਨੇ ਥੱਬ ਜਦੋਂ ਥੱਬ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੈ ਸੋਰੀ ਯਮਾਮਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੁਮਾਮਾ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਏ ਸੁਮਾਮਾ ਕੀ ਆ ਅੰਦਾ ਜੀ ਥੱਬ ਨਾ ਬੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਆ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਆ ਕੇ ਥੱਬ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੀਰ ਹੋਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੀਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗੜਵਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਗੜਵਾ ਦੁੱਧ ਸੱਤ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸੱਤ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਤੁਲ ਬਾਰੀ ਇੱਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੜਵੀਆਂ ਦੁੱਧ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇੱਕੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ ਸੁਮਾਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਤਰੀਨ ਬਸਤੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਮਾਮਾ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਅੱਖੀ ਅੰਬੋਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ
رحمت غفار دی کہیں دا سلاما جیڑا شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ اے ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ
बाबा भी संसार के उ बैठा है। दाब के तेरे भूखे देंदे दुहाइया ने, दाब के तेरे भूखे देंदे दुहाइया ने, सख्त तकलीफा बुढ़िया बाला ने पाइया ने, तेरिया भैणा चाचियां खुफिया ते ताइया ने, रोवण तमाम पुख बल बल के मारदी, जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी। चिट्ठी पहुंची पापा नू पढ़ के सुनाई गई, रिश्तेदार चंगा नहीं करता तुम चंगा कर लिया सिला रखी पैसा पक्के चिट्ठी लिखो भाई सुमावा हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने, भावे ने काफर पर एताद के मेरे ने, रब दे गुआंडी ठाटे भुख ने उलेरे ने, चंगी ए आदत नीओ बहुता गुस्सा ने घबरा दी, जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी। चिट्ठी पहुंची कड़का खुल गईया बली दा कला अल्लाह इस अल्लाह के कारण क्या मतियां की बारह तक का बात फरमा हजरत कारी सईद साहब के गुनाह मतलब बात फरमाए।
वो अमल चला बरकात नाज़िल होगा। अल्लाह जितने मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ लाए सब दुनिया आखिरत में नेक करम वाला बन फरमा। अल्लाह शिर्क व बिदअत का कला कमा फरमा, तौहीद व सुन्नत की समझ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। आमीन।